नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज में एक कंट्री आती है इराक। और इराक का हालांकि हमने वीडियो एक दो ही बनाया आज तक के इतिहास में, लेकिन अभी ये वीडियो बनाना जरूरी है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इराक में भैया जॉब आया हुआ है, 80,000 रुपये सैलरी आपको मिल सकती है और पिछले एक महीने में कम से कम 200 लोग इराक पहुंच चुके हैं। और इसके वीजा की बात करें तो बहुत कम पैसा है। यहाँ पे हम जॉब के बारे में बात करेंगे, ऑफर लेटर, वीजा चार्ज, मेडिकल, सीवी सिलेक्शन, सैलरी वगैरह पूरी डिटेल से बात कर लेंगे। अगर इराक से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, जाने वाले हैं या आपने अप्लाई कर रखा है तो ये वीडियो आपके नॉलेज हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी हां, हम इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि पिछले एक महीने में कम से कम 200 लोगों से, जी हाँ 200 लोगों से मेरे से कुछ कॉन्टैक्ट हुआ, यानी उनके डॉक्यूमेंट आए, ऑफर लेटर आए इराक के मामले में। तब मैंने सोचा यार जानना ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मुझे पता अपने आप लगता है। आप ही लोगों के से बात होती है, आप लोगों से संपर्क होता है, उसी के आधार पर मुझे पता लगता है। 20-25 लोगों से, हालांकि सबसे तो मेरी बात नहीं हुई, 20-25 ऐसे लोग थे जिन्होंने रिस्क लेके, बहुत बड़ी रिस्क लेके मेरे से बात की, फीस डाल के उनसे बात की, तो पता लगा कि मामला कुछ और है। जी हाँ, अब मामला कुछ और कैसे है, सबसे ज्यादा आप लोग राजस्थान के, जी आप अगर राजस्थान के तो मेरा वीडियो देख रहे हैं, राजस्थान के लोगों से मेरी बात होती है और सबके सब लोग आप दिल्ली में अप्लाई करके रखें। जी हां, अब चलो ठीक है, अप्लाई करके रखें। वीजा की बात करें तो वीजा चार्ज 60,000, 50,000 समथिंग ही है, 70,000 किसी ने नहीं बोला, 50,000 है या फिर लास्ट 60,000 रुपए में आपकी बात हो जाती है। सैलरी की बात करें तो $700 से लेकर 800-900-1,000 तक आपको तनख्वाह मिल जाती है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका होता नहीं है, आपको यह बोला जाता है नॉर्मल मेडिकल करवा लीजिए, सीवी सिलेक्शन में आपका काम बन जाता है, चाहे आप ड्राइवरी में जा रहे हैं चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड में। जी ये भी मेरे पास ऑफर लेटर, आप लोग वीजा भेज रहे हैं। अब यहां पे सोचने की बात ये कि वीजा आप लोगों के पास आता है, आप वीजा चेक नहीं कर पाते। इराक का सबसे बड़ा घोटाला यही होता है, क्योंकि इराक का वीजा ऑनलाइन चेक नहीं होता है और एजेंट लोग आपको इसी नाम से बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको एक वीजा पकड़ा देते हैं, ये लो जी वीजा, आप पेमेंट कर दो, ऑफर लेटर दे दो, पैसा दे दो, मेडिकल की जरूरत नहीं है, 60,000 रुपए का खर्चा है तो आप तो सोचेंगे यार क्या है, इतना एक महीने की तनख्वाह दे देते हैं। यह सच्चाई है। राजस्थान के एक बंदे से मेरी बात होती है, दिल्ली में बंदा रह रहा है, मैं बोला सर राजस्थान का हूं, दिल्ली में रहता हूं, वहीं अप्लाई कर लिया। सबसे बड़ी बात तो एक मैं शुरुआत में बता दूं कि राजस्थान के आप लोग, एक बंदे से कल मेरी बात हुई, मैं बोला यार तू राजस्थान का बंदा है, दिल्ली क्यों गया, राजस्थान में जड़ नहीं है, क्योंकि जिस एरिया से है वहां पे 10 मैन पावर ऑफिस है। बोला सर पैसे ज्यादा लेते हैं, मैं बोला कितना, बोला सर लाख रुपए के करीब ले लेते हैं, और दिल्ली वाला बोला सर 60,000। बहुत बढ़िया, इस ये है लालच, इसको बोलते हैं लालच। फिर मेरी एक एजेंट से बात हुई राजस्थान मैन पावर ऑफिस में, तब उन्होंने बताया कि सैलरी पहली बात तो झूठ है, $1,000 तक किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, लास्ट आपको $500-600 तनख्वाह मिल सकती है और उसका भी इंटरव्यू होगा, हमारे यहाँ साइड पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, ऑफर लेटर आता है तो आपका काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, जो भी सीवी सिलेक्शन वाले आपको दिए जा रहे हैं सबके सब फेक हैं। और अगर आपने मेरे से संपर्क किया और फिर आप इराक चले गए तो मेरे से जरूर एक बार व्हाट्सएप पे बात जरूर कर लेना ताकि मुझे भी पता लगे। और आप लोग ग्रुप में होते हैं, कोई बोलता है सर हम 5 लोग हैं, कोई बोलता है 10 लोग हैं। कल एक बंदे का आया, सर हमारे टोटल ऑफिस वाला बोल रहा है कि 170 लोगों को मैं भेज रहा हूँ। अब 170 लोगों से 60,000 रुपये लेगा तो आप कैलकुलेशन कर लो भाई कितना पैसा लेगा। दूसरी बात सोचने की बात है कि इराक का अगर काम आया हुआ है तो राजस्थान के मैनपावर ऑफिस हैं, क्या इनके पास काम नहीं आता, दिल्ली वालों के पास काम क्यों आता है। दूसरी बात यह कि दिल्ली वालों में भी वो एजेंट है जिनके पास लाइसेंस नहीं है मैनपावर का, वो अथोराइज नहीं है विदेश भेजने के काम में, वो इनलीगल तरीके से फर्जी तरीके से काम करते हैं, यह आपको सोचने की बात है। वीजा चेक नहीं होता, आप चेक नहीं करवा सकते, एम्बेसी में कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं वीजा लेके एम्बेसी आ जाओ, दिल्ली आपको जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि इराक जाने वाले लोग सावधानी बरत लें, सतर्क रह लें। राजस्थान वाले खासतौर से आप लोगों के रिक्वेस्ट करूंगा, भैया राजस्थान में ऐसे ऐसे एजेंट भी हैं जो राजस्थान के नंबर वन पे आते हैं, जिनको महीने के 300-400 लोग वो विदेश भेजते हैं, उनको तो आप उनके पास नहीं जाते, हालांकि नाम उनका जानते हो, लेकिन वो बोलता है मैं तो लाख रुपए लूंगा, आपको तो 60,000 में काम करवाना, इसलिए आप दिल्ली जाते हैं। फिर आपको जैसे ही वो पता लगता है हाँ ये इतना पैसा खर्च हो गया, ये ले गया, भाग गया, फिर आप आराम से बैठ जाते हैं। तो पहली बात तो मैन पावर ऑफिस से ही वीजा अप्लाई करना है। दूसरी बात अपने नजदीक में देखें कि आप यहां से 100 किलोमीटर के एरिया में कौन इराक का काम कर रहा है या किसी भी देश का काम कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहां नहीं हो रहा है तो आप दिल्ली जाते हैं, तो सजेशन ले लें, एडवाइस ले लें भैया, समझ रहे हैं बात को, और फिर आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी मैन पावर ऑफिस से वीजा अप्लाई करें। फर्जी लोग सबसे ज्यादा वैकेंसी जॉब आते हैं फर्जी लोगों के पास आते हैं, इनको पूछेगा आप लाते कहां से हैं, जबकि दो देशों का मेट्रो होता है वहां से कोई जॉब लेके आता है तो वो तो गवर्नमेंट अथोराइज एजेंसीज होती है, उनके पास एमओयू पर साइन होता है, विदेश मंत्रालय के द्वारा पूरा सिस्टम चलता है, पूरा एक नंबर में काम होता है, उनको वो जॉब मिलते हैं, आपको कैसे जॉब मिल जाते हैं, कैसे लाते हैं, कहां से लाते हैं, सिर्फ दो नंबर का काम है और कुछ नहीं है। तो इराक जाने वाले सावधानी बरत लीजिए, वरना आपके जो पैसे दिएंगे वो जाएंगे 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।